गुड मॉर्निंग गाइज, आज है ट्यूसडे और चलिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। ठीक है, और आज का दिन जो भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग पे गाइज। ये है आज का ब्रेकफास्ट, देख लो, अंडा ऑमलेट एंड रोटी, जिसको मैंने रोल की तरह बना लिया, दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइज मैं अभी ऑफिस में आ चुका हूँ। वैसे ऑफिस में कोई भी नहीं है, सब लोग गए हैं बाइक के शोरूम बाइक लेने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, बाइक का बुकिंग किया, उड़ीसा भेज दिया है, क्योंकि उस बाइक को मिनिमम 15 इयर्स हो गए और वो साउथ में खरीदा गया था, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही केस लग रहा था, तो उसको हम लोगों ने उड़ीसा भेज दिया, नानी घर में रख दिया है, कभी भी जाना आना करेंगे उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑफिस के काम के लिए एक और बाइक लगेगा, तो वही बुकिंग करने के लिए रोहन गया है और पापा गए, तो वहाँ का सारी बाइकें लाइन अप करके खड़ी हैं बेचने के लिए। ये हाईटेक मोटर्स, ये वाला शोरूम है नीचे का। हाँ, तो पापा के साथ ठीक कीजिए पापा आप। अरे नहीं, मैं सब गाड़ी का छोड़ दूंगा। जाम आप गाड़ी के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ गाड़ी कैसा क्या? नमस्ते, मैं शोमन, मैं एक्चुअली सेल्स पर्सन हूँ। ये जो गाड़ी आप ले रहे हैं एचएफ डीलक्स, जो हीरो में ब्रांडिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइक से लेना जाता है, क्योंकि इसमें नया वाला हेडलैम्प किया है, लार्जेस्ट यूटिलिटी बॉक्स किया है, और सबसे खासियत ये पहले ट्यूब टायर में आता था, अभी ट्यूबलेस टायर में आता है। इसके साथ इसका पावर बीएचपी आउटपुट बहुत ही अच्छा किया है, जिसमें इस गाड़ी को और भी बेटर पावरफुल कर दिया है। और साथ में ये गाड़ी अगर देखेंगे, ये सबसे माइलेज वाला बाइक में से गिना जाता है, क्योंकि हम लोगों का बहुत से बाइक ब्रांड है, जैसे स्प्लेंडर है, पैशन है, तो एचएफ डीलक्स इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड फॉर माइलेज। और बाकी सर आपको भी मुबारक हो, आपके शोरूम में अगर कोई आते हैं तो ऐसे फिर उनके लिए कुछ? ऑब्वियसली सर, हम लोगों के शोरूम में रिफ्रेशमेंट होते हैं, साथ में हम लोग के रेफरेंस में अगर कोई आता है तो उनको कुछ मिलेगा कि नहीं? ऑब्वियसली सर, आइए, हम लोग अच्छे गिफ्ट करते हैं, जैसे सर को मैं बढ़िया हेलमेट किया, हम लोगों एक हेलमेट दिया है, और सुमन जी जो है बहुत अच्छा, वो व्हाइट वाला हेलमेट, मतलब एडवाइजर है, बहुत ब्रीफिंग उनका बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3 और रोहन पापा वगैरह सब लोग वापस आ गए हैं। ठीक है, गाड़ी आप लोगों ने देखा ही होगा, कौन सा वाला गाड़ी उन लोगों ने बुकिंग किया, और भी बहुत कुछ दिखाया रोहन ने वहाँ पे। तो अभी चलिए लंच करते हैं, बहुत जोर का भूख लगा है, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस देखो, आज का लंच है बिरयानी, जो मैंने उस दिन बनाया था, उसका बचा हुआ राइस, और ये है अंडा, अंडा करी बना था तो हम लोगों ने इसके साथ ले लिया है, और क्रिशु भी खा रहा है। क्रिशु के मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं टाटा, और मम्मी खा रही है यहाँ पे आपका आलू पोस्तो, और क्या है, अचार, आलू पोस्तो अचार राइस, क्योंकि मम्मी मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाती है। मैक्सू को हर पार्सल देखना है कि क्या आया है। मम्मी पंखा बंद कर दो, मैं साउंड नहीं आता, वॉइस नहीं आता। ना ना पंखा चलाना, देखो सब खाने मिलेगा भाई, इसको चीर फाड़ करने में बहुत मजा आता है। क्या जैसे नया पार्सल नहीं है मैक्सू, जैसे ही नया पार्सल आया वैसे ही खोलने आएंगे, रुक जा रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद भाई, क्योंकि खाने के लिए नहीं है मैक्सू। मैक्सू बहुत मार खाएगा तू आज मुझसे, खेलने चला गया। नहीं नहीं मारना नहीं, सॉरी सॉरी भाई, गुस्सा हो जाता तो उठा लेता रस्सी बांधने के लिए। हाँ, बहुत जोर से, ऐ देखो ऐसे ही करके लगा दे। मैक्सू नहीं मारना नहीं भाई, सॉरी सॉरी मैक्सू, और बड़ा नहीं होगा, सॉरी। अलग ही है, टीवी मत तोड़ देना मैक्सू, मारेगा बोल दिया, रात में सोने नहीं दूंगा, गुस्सा हो गया बड़ा, चुप रहो, मारेगा सोने नहीं दूंगा, मारेगा सोने नहीं दूंगा। मैक्सू बहुत मार खाएगा, चुपचाप बैठ, सो गया, चलो खोलो खौफ है, सोने नहीं दूंगा बोलने से। वाह, ऐसे ऐसे कितना शर्ट लाएगा भाई तू, ये अभी हाफ आ गया गर्मी के लिए। मम्मी क्या रिएक्शन है आपका कपड़ों को देख के? बहुत अच्छा है, मतलब इतना बड़ा क्या है? अरे बड़ा है, मैं भी तो, ये थोड़ा ओवर साइज वाला शर्ट है, उसी हिसाब से ले रहा हूँ ना। अरे भैया जी, आपको क्या देखना है कपड़े में? गुल्लू को पता चल गया अभी मेरा छोटा होना नहीं, छोटा नहीं मम्मी, पतला, क्या बोल रही है, छोटा पतला नहीं होना है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, बड़ा साइज ले रहा है। कैसा कपड़ा है? स्ट्रेचेबल जैसा है।
स्ट्रेचेबल है, सोल स्टोर का है। ए तुम स्ट्रेचेबल बोल रहे हो, खींच खींच स्ट्रेच कर रहे। और इन भाई साहब को मिल गया ना कागज फाड़ने के लिए, उनको पिटाई चाहिए बहुत जोर का। हर समय ऐसे दिखेगा। हां एकदम बहुत अच्छा लग रहा है ना। सब बोले कि ये बहुत सीप पकते हाथ में, सीप जी गला में त्रिशूल जी। ने देखो गंदगी फैलाने में ना ये पहले नंबर पे। मुंह में क्या करना है, पेंट करवाने। ओह माय गॉड, चलो गोवा वाले बीच पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ये लोग क्या सेट खरीदने में लगे हैं, मेरे को कोई कागज नहीं दे रहा, मुझे फाड़ना है। कागज दो भैया, कागज दो, मेरे को फाड़ना है, यहाँ पे गंदगी फैलानी है। सॉरी बोलो। ओके ठीक है, गुड बाय। कागज नहीं फाड़ेगा ना? नहीं फाड़ूंगा भैया, जाओ आप ऊपर बैठो। अमेजोन से एक पार्सल आया है, ये मैंने क्या मंगाया था याद नहीं, क्योंकि सच में गाइज इतना ऑर्डर होता है हम लोग का ऑनलाइन में, कभी मैक्सो के सामान हो जाते हैं, कभी घर के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या आया मुझे नहीं पता, वो भी पेड रहता है, तो अभी देखते हैं क्या आया है। हाँ आ गया चीर फाड़ करने, इनको यही चाहिए सिर्फ, दे दो कागज मैं अपना चीर फाड़ करता हूँ। क्या है इतना बड़ा पेटी के अंदर दिया है? इनको पहले कागज से पेटी निकाल ले। हाँ क्या बात है सब। ओरियो बिस्किट था दो पैकेट, कागज कितना, एक किलो। जितना गर्दन में डाल दिया। इसको बेच के हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे मम्मी। अच्छा तो गाइस ये ओरियो बिस्किट का प्राइस है कुछ 9900 रुपीज़ का है, बट ये मैंने सिर्फ 60 रुपीज़ में मंगाया है, पर पैकेट 60 रुपीज़ में, मतलब बहुत पड़ा 120 रुपीज़। ठीक है 120 रुपीज़ में। तो गाइस अभी हम शाम को जा रहे हैं थोड़ा बाहर कुछ खाने के लिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है बाहर खाने को, खाते हैं पीते हैं। तो गाइस क्रिशु मैं रोहन तीनों आए हैं देखो बालीगंज फाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग आ गए एक रोल के दुकान पे, और यहाँ पे क्रिशु और रोहन ने अंडा रोल का ऑर्डर दे दिया और मैंने एक फिश फिंगर का दिया है। ठीक है तो चलिए सब टेस्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ कैसा है? अच्छा है। और इसके अंदर क्या क्या है? आलू और प्याज, सिर्फ उसमें आलू है, इसमें नहीं है। टमाटो सॉस ऐड करने बोलो, पूरा चिल्ली चिल्ली में। तो गाइस मैंने ले लिया फिश फिंगर फ्राई, ये 15 रुपए का है, ये लेट मी ट्राई। नो गाइस इसके अंदर आलू का फिलिंग है, फ्रेश हो। और कितना दिन लगेगा खाने में? 1 hour later गरम है बहुत। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो गाइस जो रोल मैं वहाँ पे आपको बनाते हुए दिखा रहा था, मैंने एक रोल वहाँ से लिया क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो रहा था, मैं कैश ही नहीं लेके गया था। रोहन 100 रुपए लेके गया था, तो मेरे को एक फिश फिंगर ट्राई कराया। खाना पीना मेरा हो गया है, आज का डिनर ओवर है, बज रहे हैं अभी 9। ठीक है गाइस तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।